मैं दिलीप कावरिया एक बार फिर आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल मंगलवार महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बस के कर्मचारी ने पगार नहीं मिलने के कारण नालासोपारा में बस चलाना बंद कर दिया, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, जिसके फलस्वरूप आज बुधवार सुबह सुबह जो यात्री बसों से प्रवास करते थे उन्होंने बस की सुविधा नहीं मिलने के कारण सीधे वो सोपारा रेलवे स्टेशन परिसर में घुस गए। उन्होंने रेल लोगों आंदोलन किया, उनकी ये मांग थी कि अगर बस की सुविधा नहीं है तो हमको रेलवे से प्रवास करने दिया जाए। उनका कहना था ये कोरोना संक्रमण के काल में ऐसे ही हम आधे से ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं, तो हमके मुश्किल से जो काम मिल रहा है तो हमको काम पर जाने की इजाजत रेल द्वारा मिलनी चाहिए।